मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार आते ही जहां व्यापम कांड ने तूल पकड़ लिया था, वहीं अब हनी ट्रैप मामला भी सरकार के गले की फांस बनता जा रहा है। हनी ट्रैप मामले के तार कहां कहां पहुंच रहे हैं, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हाल ही में हनी ट्रैप कांड में प्रदेश के दो बड़े पुलिस अधिकारी आमने सामने आ गए हैं। हनी ट्रैप में ADG रैंक के ऑफिसर पुरुषोत्तम शर्मा प्रदेश के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी के पीछे पड़ गए हैं। पुरुषोत्तम शर्मा ने मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर DGP वी के सिंह को हनी ट्रैप मामले की जांच से दूर रखने को कहा है। शर्मा का कहना है कि हनी ट्रैप मामले में DGP सिंह की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, इसलिए उन्हें इस मामले से हटाकर पुलिस मुख्यालय से बाहर के और किसी DGP स्तर के अधिकारी को मामला सौंपा जाना चाहिए। दरअसल इससे पहले हनी ट्रैप मामले के खुलासे के दौरान साइबर सेल के ADG पुरुषोत्तम की भूमिका संदेह के घेरे में बताकर DGP ने कहा था कि इन्होंने दिल्ली और मुंबई में दो फ्लैट ले रखे हैं जिनका इस्तेमाल हनी ट्रैप के लिए किया जाता था। इसके बाद ADG ने अपने ही विभाग के DGP के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। मध्य प्रदेश में हुस्न का यह जाल आखिर किस किस को अपने लपेटे में लेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। मामले में पहले ही कई अफसरों और कांग्रेस BJP के नेताओं की भूमिका संदिग्ध बनी हुई है। News Live MP डेस्क रिपोर्ट। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की ताज़ा खबरों के लिए लॉग इन, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें www.newslivemp.com www.newslivempcz.com।